बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल, आज जो मैं आपसे प्रोजेक्ट शेयर करूंगा, ये रिसेंटली हमने इंस्टॉल किया है झेलम सिटी पंजाब में, और जो इसका साइज़ है वो प्रोजेक्ट का 10 किलोवाट है। बिफोर गोइंग टू डिटेल्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट, मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि तमाम ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वेल, लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट विद इन्वर्टर्स। यहाँ पर जो हमने इन्वर्टर्स इंस्टॉल किए हैं वो 5 किलोवाट के इन्फिनी V2 दो सेपरेट इन्वर्टर्स यूज़ किए, उनको पैरेलल किया है। जो हमने यहाँ पे बैटरीज यूज़ किए हैं वो हुंडई की बैटरीज यूज़ किए हैं, 220 एम्पेयर की, 48 वोल्ट। और आप देख सकते हैं हमने पूरी कोशिश की कि डक को प्रॉपरली कवर करें, ओपन वायर्स ना यहाँ पे छोड़ें। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर्स आर वर्किंग प्रॉपरली राइट नाउ। ब्रेकर्स हमने दो DC ब्रेकर्स यूज़ किए हैं, दो स्ट्रिंग्स सेपरेटली PV के लिए, PV1 और PV2 के लिए। और इसी तरह हमने यहाँ पे एक चेंज ओवर यूज़ किया है ताकि इन केस वापडा को बाईपास करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं इन्वर्टर्स आर वर्किंग प्रॉपरली राइट नाउ, बोथ इन्वर्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और आप इस पर देख सकते हैं कि सोलर भी है, बैटरीज भी चार्ज कर रहा है और वापडा से भी शेयरिंग ले रहा है। ये हमने इस TP में जो है AC इन और आउट का ब्रेकर लगाए हैं 2 पोल, और इसी तरह यहाँ हमने एक बैटरी का ब्रेकर इंस्टॉल किया है। कोशिश करें जब भी आप इंस्टॉलेशन करें ब्रेकर्स को प्रॉपरली इंस्टॉल करें, उसकी एक तो सेफ्टी की वजह, दूसरी ये कि अगर जो आपका इन्वर्टर हैंग होता है तो अगर जो आपके पास सारे ब्रेकर्स लगे होंगे आप बैटरी को भी डिसकनेक्ट कर सकते हैं, PV को भी कर सकते हैं, वापडा को भी कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा कुछ लोग इंस्टॉलेशन में आप जो बैटरी या PV के ब्रेकर्स नहीं इंस्टॉल करते, या वो AC ब्रेकर, कोशिश करें कि DC ब्रेकर यूज़ कर लें। थोड़े से एक्सपेंसिव हैं बट लॉन्ग लास्टिंग है और उनकी एप्लीकेशन बेहतर रहती है। इसी तरह हमने यहाँ पे जो केबल यूज़ किए हैं वो 6 mm वाइट कॉपर यूज़ किए है और कॉपर शील्डेड है। कोशिश करें कि केबल भी अच्छी यूज़ करें, उससे भी आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको पैरेलल किट्स का बता दूं कि आप पैरेलल किट्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, बिकॉज बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो इवन मे बी एवरी डे वी आर लर्निंग एवरीथिंग न्यू। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि साइड पे हम ये समझ रहे थे कि शायद पैरेलल लगाने से बैटरीज ना भी हों तो पैरेलल जो किट्स हैं दैट कैन वर्क। बट कोशिश कीजिए जब भी पैरेलल किट्स इंस्टॉल कीजिए पहले बैटरीज इंस्टॉल कर लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बैटरीज को दोनों इन्वर्टर्स के साथ कॉमन करें ताकि ये प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें, एक के साथ ना कनेक्ट करें। तो हमेशा जब भी आपने पैरेलल कनेक्ट करनी है तरीका देख लें, इस तरह कनेक्ट करनी है, बैटरीज को कनेक्ट करना है और उसके बाद आपने इसको ऑन करना है। अगर जो हम साइड का व्यू देख लें, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है, बिल्कुल झेलम रिवर के साथ ये कमर्शियल प्लाजा है जो कि सिचुएटेड है। और अगर जो हम इसके पैनल्स का स्ट्रक्चर का देख लें, स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर डिज़ाइन नहीं किया, कस्टमर ने खुद इंस्टॉल किया, सिर्फ हमने यहाँ पे पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ पैनल्स हैं वो 28 पैनल्स हैं, और आप देख सकते हैं 330 है, यहाँ पर भी जेनिन शाइन है। स्टिल यहाँ पे बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी प्लेजेंट है और तकरीबन इस टाइम 5:15 हो चुके हैं और प्रोडक्शन स्टिल आ रही है, बट राइट नाउ वेरी लो प्रोडक्शन है बिकॉज वक्त भी काफ़ी हो चुका है। और किसी और वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपके इसके प्रोडक्शन का भी व्यू आपसे शेयर कर सकूँ। और जो साइट है टूवर्ड साउथ है, और ये देख सकते हैं मैं एक देख रहा था एक साइड पे इंस्टॉल की है किसी ने, और डिफरेंट पैनल्स मिक्स किए। कोशिश करें इस तरह ना करें कोई भी अपनी साइड पे, बिकॉज मिक्सिंग से ये पैनल से प्रॉब्लम ही आता है या प्रोडक्शन बड़ी अफेक्ट हो जाती है। जब भी पैनल इंस्टॉल करें एक जैसे इंस्टॉल करें, कोशिश करें सेम वोल्टेज के हों तो आपकी जो स्ट्रेंग है वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर जो आपको लाइक है, कोई कमेंट है, फीडबैक लाजमी हमसे शेयर कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ़।